हाय यूट्यूब, मैं हूँ कृष्णेंदु और आप देख रहे हैं सूर्यतपन सोलर। आज मैं आप एक प्लांट के टूर में लाया हूँ, मैं खुद इंस्टॉल किया हूँ। यह है टोटल 7.6 किलोवाट का प्लांट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 315 वाट्स का 6 पैनल है। ये एक इन्वर्टर में कनेक्टेड है और दूसरा और एक प्लांट है जो कि है ऊपर है, वो एक 3.8 किलोवाट का है। पहले मैं बात करता हूँ नीचे का जो प्लांट है, ये है इन्वर्टर 2 में कनेक्ट किया गया है। ये नीचे मैं आपको जाकर सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 6 पैनल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 पैनल सीरीज में है, ये एक स्ट्रिंग में है और एक दूसरा स्ट्रिंग है बिल्कुल पीछे, आपके पीछे ये देख सकते हैं। ये जो पैनल है टोटल 6 पैनल है ऐसे करके, ये एक स्ट्रिंग है और एक पीछे वाला वो दूसरा स्ट्रिंग है। तो दोनों स्ट्रिंग मिला के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स में ये कॉम्बाइन करके ये जो लाइन है टोटल लाइन नीचे लेके गया है। आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है DC जंक्शन बॉक्स। यहाँ पे दो स्ट्रिंग, इधर से पीछे वाला स्ट्रिंग इधर से आता है और दूसरा स्ट्रिंग इधर से इनपुट होता है। और ये जो मोटा तार है जो कि है 6 square mm का, तो ये तार से टोटल स्ट्रिंग नीचे जाता है जो इन्वर्टर 2 में कनेक्ट होता है। तो चलिए आपको मैं ऊपर का जो सोलर प्लांट है वो भी दिखा देता हूँ ऊपर चढ़ के, और दोनों इन्वर्टर हम एक साथ दिखाएंगे जो कि नीचे में है। और ये जो बिल्डिंग है पूरा ऑफ ग्रिड कनेक्टेड है, यहाँ पे कुछ ग्रिड कनेक्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि यहाँ का कुछ लैंड का कुछ प्रॉब्लम है। तो टोटल सोलर में ये जो मेस है, जो स्टूडेंट मेस है, टोटल सोलर में ये सेटअप चलता है। यहाँ पे मान के चलिए 20 से 25 लड़का रहता है जो स्टूडेंट मेस है, और स्टूडेंट के लिए जो पानी जो होता है, पानी का पंप चलता है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे टैंक है कुछ, तो करीब 3000 लीटर का पानी जब रोज़ लिफ्ट होता है, और लाइट फैन वगैरह टोटल सब कुछ नॉर्मल चलता है जो कि बरसात में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो चलिए जो ये पैनल्स कनेक्टेड है ये मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा पैनल जो है सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब 6 पैनल आपस में नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड है। तो ये है दूसरा स्ट्रिंग जो कि सामने है, ये स्ट्रिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये भी सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये स्ट्रिंग नंबर 2 और स्ट्रिंग नंबर 1 पहले आपको दिखाया, दोनों स्ट्रिंग आके यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स है ये वाइट कलर का, यहाँ पे दो स्ट्रिंग आके कॉम्बाइन होता है। ये आप देख सकते हैं लास्ट तक ये सब सीरीज कनेक्शन है। ये टोटल 3.8 किलोवाट का जो पैनल है ऊपर में वो है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और बाद बाकी है मेरा पीछे 8। 1, 2, 3, 4 और ऊपर देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 3.8 किलोवाट का है, और बाद बाकी नीचे है 3.8 किलोवाट का नीचे, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 6। तो हम आपको पूरा दिखा देते हैं कि टोटल सेटअप क्या है। ये टोटल सेटअप है 6 सीरीज में है और ऐसा दो स्ट्रिंग पैरेलल में है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये जो ये दो पैनल है, ये पैनल और वो पैनल, ये स्ट्रिंग के साथ सीरीज किया हुआ है। ये पैनल यहाँ से आता है, ये जो सीरीज है, और ये चला जाता है। और मैं थोड़ा यहाँ खिसक के आपको दिखा देता हूँ। ये दो पहले का दो 4 के साथ ये दो सीरीज है, और इसका जंक्शन बॉक्स इधर नहीं मिलेगा। ये इधर जो दो है, बीच का जो दो है 4 में से, यहाँ जंक्शन बॉक्स है, यहाँ पर जंक्शन बॉक्स इसका नहीं है। ये जो है वो 4 से सीरीज है। देखिए आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये दो कनेक्शन यहाँ का जो है,
यहाँ से एक कनेक्शन आता है, ये जो जंक्शन बॉक्स है यहाँ से कनेक्शन जाके वहाँ पे सीरीज होके के साथ ये दो पैनल के साथ सीरीज होता है, ये चार और ये दो के साथ, ये दो के साथ सामने का जो और चार है आपको यहाँ से नहीं दिखेगा जो कि है वहाँ पे, वहाँ पे चार का साथ सीरीज किया हुआ है, ठीक है। वो चार के साथ ये दो ठो सीरीज है, ये दो ठो के साथ इधर जो चार ठो है ये सीरीज किया हुआ है। आपको ऊपर जो 7.6 किलोवाट का जो पैनल्स दिखाया है उसका इन्वर्टर नीचे यहाँ पे है, यहाँ पे 2-3 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये जो सेटअप है दो स्टेप में किया गया, इसलिए 2-3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है। तो चलिए हम आपको दिखाता है कि इन्वर्टर के साथ क्या क्या यहाँ लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि दो इन्वर्टर कनेक्टेड है, दो पीस 3 किलोवाट का। पहला ये है पीसीयू नंबर 1 और पीसीयू नंबर 2। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि इसके साथ और क्या क्या कनेक्टेड है। जैसे कि पीसीयू 2 में आप देख सकते हैं कि दो बैटरी कनेक्टेड है और पीसीयू 1 में चार बैटरी कनेक्टेड है। तो पीसीयू 1 में जो है वो पर पीस बैटरी है 260Ah का और पीसीयू 2 में है पर पीस 150Ah का बैटरी। तो आगे चल के देखते हैं और क्या क्या इसमें कनेक्टेड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीयू 1 और पीसीयू 2 दोनों के लिए दो अलग अलग सोलर इनपुट है और दो MCB DC-MCP दो SPD इंस्टॉल किया गया है। और यहाँ पे दो पीसीयू के लिए मतलब सोलर इन्वर्टर के लिए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंस्टॉल किया गया है, मतलब AC जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। और पहले आपको मैं बता चुका हूँ कि चार बैटरी जो है रेड कलर का ये पीसीयू 1 में है जो कि है पर पीस 260Ah का बैटरी है। और बाकी जो एक साइड का जो दो बैटरी है जो पीसीयू 2 में कनेक्टेड है वो सिर्फ 150Ah का है। तो पीसीयू 2 में सिर्फ एक पंप चलता है और दो रूम है जो यूज़ होता है, तो इसमें बैटरी बैकअप का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, जो पंप दिन में चलता है। और पीसीयू 1 जो है इसमें जो ग्राउंड फ्लोर का जो मेस है, जो 20 लड़का जो ग्राउंड फ्लोर में रहता है वो पीसीयू 1 से चलता है। तो मेन लोड पीसीयू 1 से चलता है और पीसीयू 2 से पंप और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे है वहाँ पे दो रूम चलता है। तो ऐसे ये मेस का टोटल लोड कंजप्शन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है दो इन्वर्टर के जरिए।